इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच आज विश्व कप का सातवां मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा और मैं इस समय हिमाचल प्रदेश में ही हूँ और हिमाचल में बारिश के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है और ये आपको पूरा मैच देखने को मिलेगा। अगर मैं पिच की बात करूं तो इस पिच पर एवरेज 300 के आसपास का स्कोर बनता है, 300 पे 7-8 विकेट के आसपास गिर जाते हैं और इस पर बॉलर भी काम करते हैं अपना, बैट्समैन भी अपना काम करते हैं, यानी कि बॉलिंग पिच भी हो रही है, बैटिंग पिच भी है, यानी कि 8-9 विकेट भी गिरेंगे और रन भी 300-350 बनेंगे। अगर कोई इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती हो तो 350 प्लस का स्कोर आज कहीं नहीं गया है, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं, लंबे चौड़े सीने वाले गधा वाले प्लेयर हैं। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में एक बार मैं आपको बता दूंगा, जॉस बटलर की कप्तानी में जो रूट, डेविड मलान, जॉनी बेयरस्टो, मार्क वुड जैसे बड़े बड़े दिग्गज खेलते हुए नजर आएंगे और बाकी टीम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरीके से प्लेइंग 11 हो सकती है। आज इंग्लैंड की टीम हो सकता है कि मोइन अली को मौका ना दे, मोइन अली की जगह एक अतिरिक्त गेंदबाज भी रख सकती है अपनी टीम में। वहीं मैं बांग्लादेश की टीम की बात करूं तो बांग्लादेश की प्लेइंग 11 आज साकिब अल हसन की कप्तानी में कुछ इस तरीके से खेलते हुए नजर आ सकती है। आज बांग्लादेश 1-2 नए प्लेयर्स को मौका दे सकती है अपनी टीम में, तो वहीं मेहदी हसन को भी खिलाया जा सकता है जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और आज मैं मेहदी हसन को कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में भी चुनूंगा। एमी मेहदी हसन मिराज नहीं, मेहदी हसन MAHEDY वाले मेहदी हसन, एक मेहदी हसन मिराज है जो पिछले मैच के कप्तान थे लेकिन इस बार मैं आज उनको मौका नहीं दूंगा अपनी टीम का कैप्टन बनाने के लिए। दोनों टीम से अगर स्ट्रॉन्ग टीम की बात करें तो इस समय इंग्लैंड की टीम काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। इंग्लैंड इस बार बॉलर नहीं बल्कि शार्प शूटर लेकर के आई है, क्योंकि इंग्लैंड के पास इतने तेज गेंदबाज है, रिच टॉपले, मार्क वुड, क्रिश बॉक्स, डेविड विली, बहुत तेज गेंदबाज लेकर के आई है, सैम करन, तो इस बार शूटरों की फौज है इंग्लैंड के पास। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो 250 के आसपास बांग्लादेश को आराम से समेट देगी इंग्लैंड की टीम, लेकिन अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर गई तो 350-400 के आसपास का स्कोर आपको दिखाएगी। एक बार मैं आपको अपने पिछले मैच की टीम बता दूं, मेरी टीम के पॉइंट्स 888 पॉइंट्स थे, यानी कि 888 पॉइंट्स थे और मैंने 10 में से 7 कॉन्टेस्ट क्लियर कर दिए थे, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो फटाफट मैं आज आपको 4 कैप्टन बता दूं, कैप्टन हेड टू हेड हो सकते हैं, ग्रैंड लीग के भी यही कैप्टन होंगे और हेड टू हेड भी के यही कैप्टन होंगे। मैंने जो आज का पहले नंबर का कैप्टन रखा है वो रखा है डेविड मलान को। डेविड मलान लेफ्ट हैंडर है, छोटा ग्राउंड है धर्मशाला का और अच्छे खासे शूटर है, तो डेविड मलान आज सेंचुरी प्लस स्कोर खड़ा कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि डेविड मलान को मैंने देखा है धर्मशाला में अच्छा गेम खेलते हैं वो और छोटे ग्राउंडों पर उनको शूट करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो वहीं पर मैंने आज दूसरे नंबर का कैप्टन, अगर आज मेहदी हसन खेलते हैं बांग्लादेश की तरफ से, मेहदी हसन काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको मैं कप्तान दूसरे नंबर पर बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि मेहदी हसन मिराज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर एक बार बता दूं मैं मेहदी हसन की बात कर रहा हूं जो ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और धर्मशाला जैसे ग्राउंड्स पर, तो उनकी छोटे ग्राउंड्स पर उनकी जो बॉलिंग है वो कमाल की, एक नंबर की, तो इसलिए बांग्लादेश उनको एक अतिरिक्त गेंदबाज के रूप में आज मौका जरूर देगा, ये मेरा मानना है। वहीं पर अगर मैं तीसरे कैप्टन की बात करूं तो इंग्लैंड की तरफ से अगर कोई एक पेसर खेलता है, डेविड विली या फिर रिच टॉपले, वैसे मुझे लगता है रिच टॉपले को आज खिलाएगा इंग्लैंड, क्योंकि मोइन अली कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं रहे, तो एक ऑलराउंडर को निकाल करके एक एक्स्ट्रा बॉलर को टीम मौका देना पसंद करेगी अपनी टीम में, क्योंकि रिच टॉपले के लिए ये प्रैक्टिस मैच होगा, तो रिच टॉपले जैसे नए या फिर डेविड विली, इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बनाऊंगा मैं, तीसरा कप्तान। वहीं पर अगर मैं चौथे कप्तान की बात करूं तो बांग्लादेश में मुझे कोई खास कप्तान और नजर आता नहीं, एक लिट्टन दास ओपनिंग करने नजर आते हैं, बड़ा मुकाबला है क्योंकि उनके पास धैर्य है, तो लिट्टन दास को आप चौथा कप्तान कंसीडर कर सकते हो। एक बार आज के 4 वाइस कप्तान पर भी नजर मार लेते हैं, तो आज क्रिश बॉक्स शार्प शूटर है, बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को अच्छे खासे तरीके से गिराना जानते हैं, स्टार्टिंग में 1-2 विकेट निकाल लेंगे, तो क्रिश बॉक्स को मैंने पहले नंबर पर वाइस कप्तान रखा है, तो वहीं दूसरे नंबर पर मैंने इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को वाइस कप्तान रखा, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो के पास जो धैर्य है वनडे में वो बहुत कम लोगों के पास है, रोहित और कोहली जैसे प्लेयर्स के पास भी वो धैर्य है जो जॉनी बेयरस्टो के पास है, तो जॉनी बेयरस्टो 50-60 रन की पारी आराम से निकाल ही लेते हैं, तो जॉनी बेयरस्टो को आप दूसरा वाइस कप्तान कंसिडर कर सकते हो। और तीसरे वाइस कप्तान की अगर मैं बात करूं तो स्कोर बड़ा होगा नहीं अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है, लेकिन इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करती है तो जो रूट जो अपना धैर्य और अनुभव दिखाते हैं
वो रियल में कमाल का है। जो रूट अच्छी फॉर्म में वनडे के हिसाब से, तो आप जो रूट को वाइस कप्तान पक्का बनाना। और चौथा वाइस कप्तान मैं बता दूं आपको, जॉस बटलर। लेकिन मुझे लगता नहीं इस मैच में जॉस बटलर कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जॉस बटलर छोटे मैदानों पर परफॉर्मेंस अच्छी देते नहीं है। जॉस बटलर लंबे ग्राउंड्स पर, जहां पर बड़ी बाउंड्रीज है वहां पर अपना दम दिखाते हैं, लेकिन छोटे ग्राउंड्स पर जॉस बटलर बड़ी आसानी से अपना विकेट दे जाते हैं। लेकिन जॉस बटलर 15-20-30 रन बना देते हैं और 2-3 पीछे कैच पकड़ लेंगे, इंग्लैंड के शूटर बड़ी आसानी से कॉट बिहाइंड करा देंगे बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को। तो जॉस बटलर को आप वाइस कप्तान बना सकते हो। वहीं अगर मैं आज रिस्क फैक्टर की बात करूं, तो आज मैं मेहंदी हसन मिराज को अपनी टीम में ना लेना पसंद करूंगा ना कप्तान बनाना। जब टीम ही नहीं लिया तो कप्तान की बात तो होती नहीं। तो मेहंदी हसन मिराज की जगह मैं आज मेहदी हसन को मौका दूंगा। मेहदी हसन बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, मैंने उसको देखा है खेलते हुए। मेहदी हसन के पास जो क्षमता है वो मेहदी हसन मिराज के पास नहीं है, तो आप मेहदी हसन को कंसीडर करना, क्योंकि मुझे पता है बांग्लादेश की टीम खिलाएगी खिलाएगी एक अतिरिक्त स्पिनर को। आज इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिनर पर फंसते हैं, लेकिन फिर भी मेहदी हसन मिराज को आप टीम में रख सकते हो। ये कल न्यूज में भी देखने को मिल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक एवलेशन कर रहे थे कि हमें एक बॉलर को और अपनी टीम में रखना चाहिए। और दूसरा मेरा रिस्क फैक्टर खुद बांग्लादेश टीम के कैप्टन शाकिब अल हसन, क्योंकि ग्रैंड लीग के लिए शाकिब अल हसन जैसे प्लेयर्स को ड्रॉप करना जरूरी है, क्योंकि शाकिब अल हसन एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप लेंगे तो परफॉर्मेंस करेगा तो आपके पॉइंट्स टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्कोर बोर्ड पर। लेकिन अगर आप ड्रॉप कर देंगे और शाकिब अल हसन नहीं होगा आपकी टीम में, तो आपकी टीम जम मार कर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आई थी। शाकिब अल हसन की जगह डेविड विली या रीस टॉपले को आप मौका दे सकते हैं, जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए एक नया एक्स्ट्रा बॉलर जो खेलते हुए नजर आएगा। हो सकता है मोइन अली खेले, लेकिन मोइन अली का चांस नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि मोइन अली को हल्की चोट भी लगी थी पिछले मैच में। और एक और रिस्क फैक्टर मैं आपको तीसरा बता दूं, वैसे जॉस बटलर ही मेरी तरफ से रिस्क फैक्टर बन रहा है हेड टू हेड के लिए। आप जॉस बटलर की जगह किसी भी इंग्लैंड के नए बॉलर को मौका दे सकते हो, क्योंकि बांग्लादेश की बैटिंग में इतना दम है नहीं, तो बॉलर अपना कमाल आज दिखाएंगे। तो जॉस बटलर छोटे मैदानों पर चलते नहीं, ये भी मैंने जॉस बटलर के बारे में आपको बता दिया। जॉस बटलर की जगह आप किसी भी एक बॉलर को मौका देंगे तो चलेगा, बॉलर रीस टॉपले या डेविड विली कोई भी हो सकता है। और आज का मेरी टीम का रिस्क फैक्टर है कि मैंने मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन दोनों को निकाल करके एक तो मेहदी हसन को मौका दिया, क्योंकि मेहदी हसन के अंदर जो क्षमता है वो मिराज के अंदर नहीं है, और दूसरा मैंने शाकिब अल हसन की जगह एक इंग्लैंड के अतिरिक्त बॉलर को खिलाना पसंद किया, जो रीस टॉपले या डेविड विली कोई भी हो सकते हैं। तो आप मैंने रीस टॉपले को भी टीम में ले लिया, जब प्लेइंग 11 आउट होगी तो तब आप देख लेना कि कौन दोनों में से खेल रहा है, क्योंकि मोइन अली का खेलना आज ना खेलना कंफर्म है। और आज की मैं अपनी टीम बता दूं आपको फटाफट, मेरी टीम का जो कैप्टन है वो डेविड मलान भाई लेफ्ट हैंडर है और अच्छा शार्प शूटर है और ऐसे शूट करता है छोटे ग्राउंड्स पर बॉलरों की धज्जियां उड़ा देता है। तो डेविड मलान का आज सेंचुरी प्लस 100 प्लस का स्कोर डेविड मलान की तरफ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, गारंटी मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि डेविड मलान को मैंने छोटे ग्राउंड पर खेलते हुए देखा है, और वो छोटे ग्राउंड पर जो शूट करते हैं उनके बराबर मैंने आज तक किसी भी बल्लेबाज को नहीं देखा। और जो मेरे वाइस कप्तान है, मैं आपको बताते आ रहा हूं कि मेहदी हसन, जो MA वाले मेहदी हसन है, आज उनको मैंने वाइस कप्तान टीम का बनाया, क्योंकि मेहदी हसन के अंदर की क्षमता है मैं जानता हूं, उनके 3-4 विकेट कहीं नहीं गए, या फिर 30-40 रन भी बना देंगे, 3-2 विकेट लेते 30-40 रन बनाते तो वाइस कप्तान का काम कर जाएंगे वो। मैंने अपनी फैंटेसी टीम में 8 इंग्लैंड के प्लेयर्स को मौका दिया है, तो वहीं पर सिर्फ 3 बांग्लादेश के प्लेयर्स को मौका दिया है। अगर आप क्रिकेट के सपोर्टर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें। दोनों टीमों में से सपोर्ट करने वाले प्लेयर्स कमेंट्स करते रहें और चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शनें सच साबित हो रही हैं अभी तक सारी, क्योंकि जो मैंने प्रेडिक्शनें की हैं वो बहुत ही सोच समझ कर की है, मेरे पास अच्छी खबर होती है क्रिकेट की। अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप या फिर कोई एडवर्टीजमेंट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टीम या न्यूज के लिए या किसी भी एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सरशिप के लिए आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पर एक बार ज्वाइन कर लें, और वहां पर मैं कमेंट्स सेक्शन में आपको एक बार अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो इंस्टाग्राम मेरे इस चैनल के पेज पर आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, वहां पर जाकर के आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।